जिज्ञासु मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन है स्वागत है आप सभी का दिव्य प्रजन में प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं आज का जो विषय है ब्राह्मण कौन ब्राह्मण भारत छोड़ो आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे यह समसामयिक विषय है श्रीमद भगवद गीता के आधार पर भी हम इस विषय पर चर्चा करेंगे लेकिन गीता की श्रृंखला में श्रीमद भगवद गीता की श्रृंखला में जो चीजें चल रही थी उससे हटकर है ये और समसामयिक चर्चा है समसामयिक मतलब कि जो कंटेम्प्रेरी डिस्कशन चल रही हैं जो बातें चल रही हैं आजकल उन विषयों पर यह चर्चा है तो चलिए अब यह कितना महत्वपूर्ण विषय है यह मैं तो उतना क्योंकि ऐसे विषयों पर पीछे कई वीडियोस में हमने चर्चा की है ऐसी बात नहीं की है नहीं है कि नहीं की है श्रीमद भगवद गीता से भी चर्चा हुई है कि ब्राह्मण कौन है या ब्राह्मण किसे कहते हैं ऐसी बातों पे पहले भी चर्चा हमने की है लेकिन उसके साथ एक विषय नया जुड़ रहा है ब्राह्मण भारत छोड़ो देश के कुछ विश्वविद्यालयों में ऐसा स्लोगन ऐसा नारा लगाया गया कि ब्राह्मण भारत छोड़ो अब हालांकि इस बात का कितना महत्व है ब्राह्मण भारत छोड़ो ऐसा नारा अगर किसी प्रतिष्ठित संस्थान में दिल्ली के अंदर अगर किसी विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी में वहाँ के छात्रों के द्वारा या कुछ छात्रों के द्वारा अगर ऐसा उद्घोष किया जाता है ऐसा नारा लगाया जाता है ऐसा स्लोगन जो है राइज रेस किया जाता है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो तो इसके पीछे क्या मानसिकता है कैसी सोच है और यह बात कितनी जमीनी है प्रैक्टिकल है ठीक है तो थोड़ी सी चर्चा हम इस विषय पर करेंगे वैसे मुझे नहीं लगता कि यह कोई बहुत बड़ी चर्चा है लेकिन किसी महानुभाव ने मुझे कहा कि नहीं बहुत सारे लोग हैं जो अनभिज्ञता में हैं उन्हें सनातन धर्म का सही सही ज्ञान नहीं है तो वो ऐसे नारों से बहकावे में आ जाते हैं वो गहराई में कुछ बात नहीं सोचते और बहकावे में आ जाते हैं तो ब्राह्मण भारत छोड़ो ऐसा नारा लगाने वालों का क्या उद्देश्य है यह तो वही जाने और ऐसा उद्देश्य क्यों है यह ये, ये भी कोई प्रश्न नहीं है और यह नारा चलो जब देश आजाद हुआ था और उस समय लगाते कि ब्राह्मण भारत छोड़ो तो कोई बात थी सन 1947 में क्योंकि जब यह देश कहते हैं जब ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ तो उस समय यहाँ के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित उनके नाम के आगे लगा हुआ था तो उस समय वो नारा लगाते कि पंडित भारत छोड़ो ब्राह्मण भारत छोड़ो तो शायद कुछ बात समझ में आती चलो अंग्रेजों भारत छोड़ो यह नारा लगाया गया इसलिए लगाया गया क्योंकि अंग्रेजों का शासन था अंग्रेजों का शासन था अंग्रेज राज कर रहे थे अंग्रेज गए फिर कहा जाता है कि यह देश आजाद हुआ और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने तो उनके लिए भी कह देते कि चलो भाई ब्राह्मण भारत छोड़ो लेकिन आज वर्तमान में ऐसा किन ब्राह्मणों के लिए वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण भारत छोड़ो अब अलग अलग क्षेत्र में किस हिसाब से सोच कर कह रहे हैं कहां तक गहराई से सोच कर कह रहे हैं जमीनी हकीकत से इस बात का कितना संबंध है ब्राह्मण भारत छोड़ो से इतिहास जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं वो कई बार बहुत मैनिपुलेटेड होती हैं इतिहास लिखे जाते हैं लिखवाए जाते हैं बनी जाती हैं बनवाए जाती हैं बहुत तरह की बातें इसमें होती हैं तो कौन सा हिस्टोरिकल फैक्ट लेकर यह किया जा रहा है कहा जा रहा है यह आपके एक सामान्य बुद्धि या समझ लीजिए कि यह समझ के बाहर की चीज है क्योंकि राजनीति में बहुत सारी ऐसी चीजें चलती हैं जो आम लोगों के समझ में नहीं आती हैं वो राजनेता ही जानते हैं और राजनेता अपनी कुर्सी के लिए कोई भी तर्क दे सकता है एजेंडा चलाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है कई लोगों की हत्याएं भी करवाई जा सकती हैं कई लोगों के जीवन को खतरा में डाला जा सकता है एजेंडा चला चलाए जाने के लिए एजेंडा चलाने के लिए तो कहीं ना कहीं यह एक एजेंडा ही है ब्राह्मण भारत छोड़ो एक प्रोपागेंडा है एक जो है कुछ अलग ढंग से कुछ अलग दिखाना और शायद हो सकता है कि कुछ अपने आकाओं को दिखाने के लिए भी लोग कुछ ऐसा मूवमेंट चलाते हैं जहाँ से उनको फंडिंग मिलता है उनको दिखाने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं तो इसीलिए ब्राह्मण भारत छोड़ो ये जो नारा है इससे प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यह बस कुछ लोगों का एक प्रलाप है वो कहना कुछ और चाहते हैं कह कुछ और रहे हैं वास्तव में वह जो सनातन विरुद्ध सनातन धर्म के विरुद्ध जो प्रचार है जो एजेंडा है उसको बढ़ावा देना चाहते हैं और जो सनातन विरुद्ध जो ताकतें हैं उसको उनकी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं इस देश के अंदर उन शक्तियों को बढ़ाना चाहते हैं जो सनातन धर्म या सनातन धर्म पद्धति उसके विरुद्ध है और उसको खत्म करने के लिए काम करती है जो राष्ट्रद्रोही ताकतें हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ऐसे नारे लोग लगाते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए उनका यह उद्देश्य होता है और इसी उद्देश्य से वो ब्राह्मण भारत छोड़ो या इस तरह के नारे लगाए जाते हैं नहीं पता कि ब्राह्मण किसे कहा जा रहा है वास्तव में एक कुल मिलाकर हम ये नहीं कह सकते हैं कि कंफ्यूज करने के लिए कभी ये मत सोचिएगा कि यहां पर ब्राह्मण भारत छोड़ो कहा जा रहा है तो सिर्फ किसी ब्राह्मण या ब्राह्मण समुदाय के लिए कहा जा रहा है कौन ब्राह्मण है भाई तो मैंने पहले ही आपको बताया कि इस देश के पहले प्रधानमंत्री ही पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित लिखते थे ब्राह्मण कहलाते थे तो पहले तो उन्हीं का परिवार छोड़ दे भारत ऐसा भी कहा जा सकता है ब्राह्मण भारत छोड़ो में या फिर ब्राह्मण भारत छोड़ो में बहुत सारे लोग हैं हो सकता है कि जो ये स्लोगन नारे लगा रहे हैं उनमें से ही कुछ ब्राह्मण परिवार के हैं हो सकते हैं कि हो तो वो पहले अपने रिश्तेदारों परिवारों से बात करें छोड़ने की चलो ब्रिटिश लोग तो आए थे ब्रिटेन से इंग्लैंड से वो अपने वापस इंग्लैंड चले गए लेकिन ये ब्राह्मण कहां से आए थे और कहां जाएंगे यह भी प्रश्न है तो कहना कुछ देखिए बातें कई ढंग से कही जाती है बातें कई ढंग से कही जाती है ऐसा नहीं कि ये जो नारा लगाया गया है वो ब्राह्मण को छोड़ने के लिए लगाया गया है बल्कि जो सनातन विरुद्ध राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं उनको बल प्रदान करने के लिए उनको एक एजेंडा देने के लिए इस तरह के नारे लगाए जाते हैं आंदोलन करवाए जाते हैं आंदोलन करवाने के लिए फॉरेन फंडिंग होती है तो इस तरह का माहौल बनाया जाता है ताकि अराजकता फैले और एक डिस्टर्ब हो माहौल डिस्टर्ब हो लोगों के बीच में जातिगत भावनाएं ज़्यादा विकसित हों बढ़ें जात पात की भावनाएं अधिक से अधिक बढ़ें इस तरह के लक्ष्य को लेकर ऐसे कई कार्य कर दिए जाते हैं लेकिन हमें अपने विवेक से हमेशा विचार करना चाहिए कभी प्रभाव में नहीं आ जाना चाहिए ऐसी चीजों के ऐसी विषय के कभी प्रभाव में हमें नहीं आना चाहिए जो इस तरह का नारा लगाते हैं अब ऐसे तो बहुत सारे बहुत सारी बातें होती हैं बहुत तरह की चीजें होती हैं अब कहां कहां से ब्राह्मण को निकालोगे बहुत सारे एन हैं अभी कोई बहुत बड़ा कोई एक टीवी चैनल जो कि बिक गया किसी ने खरीद लिया किसी ने बेच दिया उसको तो वहाँ के मुख्य पत्रकार जो थे वह भी ब्राह्मण थे वहाँ के मुख्य पत्रकार जो थे चीफ एडिटर जो थे वह भी ब्राह्मण थे और उन्होंने शायद रिजाइन कर दिया है अब अपने चैनल से चैनल बिकने के बाद तो वह भी अपने नाम के आगे पांडे लगा लिया करते थे लगाए करते थे अब पांडे लगाते थे तो कहीं ना कहीं वह ब्राह्मण परिवार से थे तो अब इस तरह से तो बहुत सारी चीजें हैं बहुत सारी बातें हैं अगर हम इसको निकालने जाएंगे खरीदने जाएंगे तो बहुत सारी बातें सामने आ जाएंगे जिसका कोई जवाब नहीं होगा इसीलिए विषयों को गहराई में समझना चाहिए गहराई से सोचना चाहिए में नहीं चाहिए कि ये हवा चली है तो चलो भाई अच्छा ऐसी बात कही जा रही है अच्छा ऐसे कह रहे हैं अच्छा वैसे कह रहे हैं थोड़ा गहराई में सोचो ये नहीं कि उसको जैसे का तैसा ही स्वीकार कर लो नहीं वास्तव में जो ये नारा लगा रहे हैं कि ब्राह्मण भारत छोड़ो वो कहना कुछ और चाहते हैं वो कहना कुछ और चाहते हैं लेकिन कुछ मुंह से बात कुछ और कह रहे हैं लेकिन करना कुछ और चाहते हैं कहना कुछ और चाहते हैं जैसे कि किसी को भूख लगी हो तो वो बोलेगा कि भाई मुझे भूख भूख लगी है ये नहीं बोलेगा वो बोलेगा पेट में चूहे कूद रहे हैं अरे पेट में भाई चूहे कैसे कूद जाएंगे तुम्हारे कहां से घुस गए चूहे तो वो कहना चाहता है कि मुझे भूख लगी है ठीक ना वो ये कहना चाहता है कि मुझे भूख लगी है लेकिन वो ये नहीं बोल रहा है कि मुझे भूख लगी है खाना दो वो बोल रहा है मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं तो ये नारा जो है ब्राह्मण भारत छोड़ो यह भी कुछ उसी प्रकार का नारा है वास्तव में ये कहना कुछ और चाहते हैं लेकिन बोल कुछ और रहे ठीक है।, है बोल कुछ और रहे हैं और कुछ और भावनाओं को जागृत करना चाहते हैं आजकल देश में ऐसे कई एजेंडा चलते हैं सोशल मीडिया पे चलते हैं कई बार तो राष्ट्रभाषा को लेकर चलते हैं कई बार जो है दूसरी भाषाओं को भाषावाद को लेकर लैंग्वेज को लेकर लैंग्वेज पॉलिटिक्स भी चलती है चलाने की लोग कोशिश करते हैं तो इस तरह से कास्ट पॉलिटिक्स को लोग चलाने की कोशिश करते हैं तो इस तरह से कई टारगेट होते हैं और वह टारगेट मुख्य रूप से इस देश को तोड़ने का काम होता है इस राष्ट्र को खंडित करने के उद्देश्य से होता है राष्ट्र विरोधी ऐसी ताकतें होती हैं जो ऐसी बात वो करना कुछ और चाहते हैं कह कुछ और रहे किसी और पॉइंट पर छेड़ रहे हैं लेकिन उनका उद्देश्य कुछ और है और कहना भी वो कुछ और ही चाहते हैं तो ऐसी भारी समस्या हो जाती है कि ये ब्राह्मण भारत छोड़ो का क्या तात्पर्य है क्यों ऐसे स्लोगन विश्वविद्यालय के अंदर निकालेगा क्या वहां गवा टाइप के लोग रहते हैं तो आप कह सकते हो देखो अंधविश्वासी होना एक अलग विषय है पढ़ा लिखा होना एक अलग विषय है कई बार बहुत शिक्षित और बहुत डिग्री लेने वाला आदमी भी अंधविश्वासी जीवन ही व्यतीत कर रहा होता है तो यह सब तो चलता है यह सब तो होता है समाज में लेकिन हमें अपने विवेक से सोचना चाहिए अपने विवेक से विचार करना चाहिए अगर हम अपने विवेक से सोचेंगे विवेक, विवेक से विचार करेंगे तो ऐसी समस्याएं हमारे जीवन में फिर नहीं आएंगी और ना हम ऐसी स्लोगन से ऐसे नारों से हम कभी प्रभावित होंगे तो हमें कभी भी प्रभावित प्रभावित नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति को नकारात्मक रूप से या सकारात्मक रूप से कैसे भी प्रभावित नहीं होना चाहिए इस विषय में ठीक है नकारात्मक रूप जो इसके विरुद्ध में है और सकारात्मक रूप जिन्होंने स्वीकार कर लिया हाँ भाई ब्राह्मणों को भारत छोड़ देना चाहिए कौन से ब्राह्मण कहाँ के ब्राह्मण भारत छोड़ेंगे पहले ये तो बताओ ठीक है और किस प्रकार के ब्राह्मण भारत छोड़ेंगे ठीक है तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठ जाते हैं लेकिन उद्देश्य कुछ और है कहना कुछ और है इशारा किसी और किसी दूसरी चीज की ओर है और बोला कुछ और जा रहा है इशारा किसी दूसरी चीज की ओर है और बोला कुछ और जा रहा है कहा कुछ और जा रहा है तो बस इतना ही है भारत ब्राह्मण भारत छोड़ो का अर्थ लेकिन ब्राह्मण अब हम आध्यात्मिक रूप से समझे कि ब्राह्मण कौन है ब्राह्मण किसे कहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए क्या कहते हैं यस्व सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणु तमाहु पंडितम बुधा अर्जुन तो उसको पंडित जान उसको ज्ञानी जान जो कर्मों को भस्म कर्मों के फल को कर्मों को भस्म करने का सामर्थ्य रखता है यश सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता सभी कामनाओं का त्याग करके ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणु ज्ञान अग्नि में जो कर्मों का दहन कर सकते हैं ज्ञान अग्नि में जो कर्मों को भस्म कर सकते हैं जला सकते हैं नष्ट कर सकते हैं ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणु तमाहु पंडितम बुधा अर्जुन तो उन्हीं को पंडित जान ले तो उन्हीं को पंडित जान ले तो उन्हीं को पंडित समझ ले तो ऐसा विचार देने का प्रयास भगवान कृष्ण अर्जुन से करते हैं पहले भी कहते हैं कि असुच्चान अनुसोचस्तम प्रज्ञावादानशभाषे गुनचान अनुशोचन थी पंडिता कि जो चले गए और जो नहीं गए उनके लिए पंडित जन कभी शोक नहीं किया करते हैं कभी शोक उन्हें नहीं होता है तो हमें भी इस इस तथ्य को बहुत सही से विचार करते हुए ही हमें समझना चाहिए आंखें बंद कर कर प्रचलित बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए तो यह जब हम समझेंगे तो पूरी जो भूमिका है पूरी जो तथ्य हैं पूरी जो कहानी है उसको हम सही से अगर समझ पाए जान पाए तो निश्चय ही हम कभी भ्रमित नहीं होंगे भ्रमित होने की कभी आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी तो भ्रमित तो नहीं होना है मन को भ्रमित नहीं करना है इसका जरूर ध्यान रखना है तो मुनि निरुक्त ब्राह्मण के विषय में कहता है जन्म न जायते शुद्र संस्कारात द्विज उज्यतिथि ब्राह्मण जन्म से तो सभी शुद्र हैं, जन्म से सभी शुद्र हैं जन्म न जायते शुद्र संस्कारात द्विज जिसका संस्कार होता है जो सुसंस्कृत बनता है शिक्षित बनता है जिनका संस्कार होता है वह और जो पहले से जो विद्यमान है तो ये द्विज होते हैं संस्कार होने संस्कारा द्विज उज्जते जन्म से सभी शुद्र हैं संस्कारों से द्विज होते हैं ब्रह्म जानती थी ब्राह्मण और जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्राह्मण हो जाता है ऐसा भी वर्णन किया गया है ब्रह्म को जानने वाला ही ब्राह्मण होता है ऐसा भी वर्णन मिलता है ज्ञान अग्नि में कर्मों को दग्ध करने वाला ब्राह्मण होता है ऐसा वर्णन मिलता है तो हमें इन सभी विषयों पर बिना विचार किए हम कैसे कह सकते हैं कि ब्राह्मण कौन और ब्राह्मण के नाम पर कौन देश छोड़कर जाए किसको देश छोड़ना चाहिए ठीक ऐसी बहुत सारी बातें आ जाती हैं ऐसे बहुत सारे आपको सुनने को हमें प्राप्त हो जाता है समझने के लिए बहुत सारी बातें हैं तो ब्राह्मण होने का तात्पर्य क्या है जो तपस्वी है जो ब्रह्म को जानने वाला है वो ब्रह्म को जानने वाला है जो ज्ञानी है जो ईश्वर प्रेमी है जो वेद प्रेमी है जो वेदों से प्रेम करता है वेदाध्यन करता है भगवान श्री रामचंद्र जी जब माता शबरी के पास गए तो उन्होंने माता शबरी का भी बहुत सम्मान किया उन्हें श्रेष्ठ भक्त बताया और भक्ति का आदर्श उन्हें माना अब कुल से तो ब्राह्मण नहीं थी लेकिन मतंग ऋषि की शिष्या थी और अपने मतंग ऋषि की आज्ञा से गुरु आज्ञा से ही वह उस वन में रहती थी वहां पर दंडक वन में और श्री रामचंद्र जी अपने इस वनवास में शबरी आश्रम में भी पहुंचते हैं और देवी शबरी के माध्यम से भक्ति का आदर्श स्थापित होता है नवधा भक्ति का इसी प्रकार से द्वापर युग में कहते हैं कि पांडवों ने जब युद्ध खत्म होने के बाद यज्ञ किया तो देवता प्रसन्न नहीं हुए पांडव हताश हो गए कि भाई क्यों हमारा यज्ञ विफल क्यों हो रहा है भगवान श्री कृष्ण से पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि क्या तुमने सबको निमंत्रण दिया था जितने भी ऋषि मुनि हैं ब्राह्मण हैं सबको निमंत्रण दिया था उन्होंने कहा कि हाँ सबको निमंत्रण दिया था फिर भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने स्वपच्छ मुनि को तो आते हुए देखा नहीं स्वपच्छ तो मुनि कौन है युधिष्ठिर को ध्यान आया कि हाँ एक ऋषि स्वपच्छ मुनि है लेकिन उनका जन्म जो है वह शुद्रकुल कुल में बताया गया है इसीलिए उनको बुलाना हमने अनिवार्य न समझा इस प्रकार की बात पांडव उत्तर देते लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं जाकर उन्हें वो श्रेष्ठ ब्राह्मण है जाकर उन्हें बुलाकर ले आओ और तभी जाकर आपका यज्ञ पूर्ण होगा उनका यथोचित सम्मान होगा तभी जाकर आपका यज्ञ पूर्ण होगा नहीं तो यज्ञ पूर्ण नहीं होगा अंततः पांडवों को यही करना पड़ा पांच पांडव गए स्वपच्च मुनि के पास एक एक कर स्वच्च मुनि ने कहा कि तुम मुझे मुझे मुझसे यज्ञ में मुझे बुलाने आए हो मैं चलूंगा लेकिन मुझे पहले सौ यज्ञों का फल दो तो मैं चलूंगा अरे पांडवों ने सोचा कि हम तो पहला यज्ञ करा रहे हैं भाई सौ यज्ञों का फल कहां से ले आएंगे पांचों वापिस आ गए नहीं आए द्रौपदी को समझा भगवान श्री कृष्ण ने भेजा कि जाओ जाओ और उनके आचरण को देखो कि कैसा उनका आचरण है समझो द्रौपदी पांडव तो वापस लौट कर आ गए द्रौपदी गई कृष्ण ने समझाया कि वो सौ यज्ञों का फल मांगेंगे तुम कहना कि मैं यहां पर आपसे मिलने आई हूं तो एक एक कदम जो मैंने रखे हैं वो एक यज्ञ के बराबर ही हैं, और मैं तो सैकड़ों कदम चलकर आई हूं आप उसमें से सौ निकाल लीजिए आप उसमें से सौ यज्ञों का फल निकाल लीजिए ऐसी महिमा भी गाई गई है संतों की महिमा गाई गई है कि संत मिलन को जाइए तज मोह माया अभिमान ज्योजो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान करोड़ों यज्ञों का फल होता है ऐसे ज्ञानी संत महापुरुषों के से मिलने जाना दर्शन के लिए जाने से कोटि यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है द्रौपदी ने कहा कि आप सौ यज्ञ का फल ले लीजिए और चलिए तो समझ गया कि भाई इसे तो समझा कर भेजा गया है सिखाकर भेजा गया है लेकिन उनको जाना पड़ा शर्त अनुसार पहुंचे यज्ञ हुआ सफल हुआ तो इस तरह से यह व्यवस्थाएं चलती हैं। तो ब्राह्मण कौन है जो ब्रह्म को जान पाया जो तपस्या में लीन हो पाया जो शास्त्र अध्ययन में लीन हो पाया बेहतर विधि से समझ पाया इस विषय को कि ब्राह्मण किसे किसी कहा जाता है ब्राह्मण शब्द का निरुक्त क्या है तो हम सबको इन विषयों पर सही से विचार करना चाहिए यदि हम सही से विचार करते हैं समझते हैं तो निश्चय ही बहुत अधिक लाभान्वित होंगे और ऐसे मन भटकाने वाले या दूसरों को भड़काने वाले युवाओं को भड़काने वाले जो हैं लगता है कि भाई वो बहुत अच्छा कोई काम कर रहे हैं लेकिन एक बहकावे में कह रहे हैं एक भड़काव में कर रहे हैं ना कि उनके पास कोई अपनी समझ हो ठीक अपने पास उनकी कोई विशेष समझ हो ऐसा नजर नहीं आता ऐसा दिखाई नहीं देता तो हमें यह सब सोच लेना चाहिए समझ लेना चाहिए तो ब्राह्मण कौन है जो जान गया जो ज्ञानी हो गया उसको भी ब्राह्मण कहा गया कि वह ब्राह्मण ही है जो सब कुछ जान गया इन सभी बातों पर विचार कर, कर हमें विचारणीय तथ्य और कभी इन सब बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए कि ब्राह्मण कौन ब्राह्मण भारत छोड़ो बल्कि खुद को जागरूक करना चाहिए और जागरूक कर इसका लाभ हमें अवश्य उठाना चाहिए तो कोई ब्राह्मण कैसे बनेगा ब्रह्म को जानकर बनेगा और ब्रह्म को जानेगा कैसे तो ध्यान योग से जानेगा अपनी साधना से जानेगा सम अवस्था को प्राप्त कर लेगा तो जब सम अवस्था प्राप्त हो जाएगी तो समस्या ही खत्म हो जाएगी तो सम अवस्था की प्राप्ति हो जाना हो जाने से ही ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होता है और यही ब्राह्मण होना भी है ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करना ही ब्राह्मण होना भी है तो इस तरह से गंभीर विचारधारा के साथ हमें चिंतन मनन करना चाहिए और ध्यान योग ही इसमें सहारा है तो ध्यान योग क्या है कब से प्रारंभ हो रहा है तो 20 दिसंबर से शुरू हो रहा है एक महीने का कोर्स गाइडेड मेडिटेशन ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल हीलिंग आप लाभान्वित होना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन करिए इस विषय को तो आपके प्रश्नों पर आएंगे आपके कमेंट्स दिखेंगे तो ध्यान योग का कोर्स 20 दिसंबर से प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी का भी कोर्स 20 दिसंबर से दोनों ही हमारे अध्यात्म मार्ग में बहुत ही सहयोगी है ध्यान योग सीधा ही सहयोगी है ध्यान योग सीधा ही सहयोगी है ध्यान योग हमें सीधा ही हमें ब्रह्म के मार्ग पर ले जाता है ज्ञान के मार्ग पर ले जाता है तो अगर हम सही विषयों को स्वीकार करेंगे सही परिभाषाओं को समझेंगे जानेंगे तो दुविधाएं नहीं होंगे लेकिन भ्रमित होकर हम अगर चीजों को समझेंगे और कई बार जो है भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है राजनेताओं के द्वारा पॉलिटिशियंस के द्वारा समाज को भ्रमित करने का कभी कोई गीता में जिहाद ढूंढने लग जाता है कभी कोई कहता है ब्राह्मण भारत छोड़ दो कभी कोई कुछ कहता है कभी कोई तो ये सनातन विरोधी ताकतें है, धर ताकते हैं धर्म विरोधी ताकतें हैं उनसे हमें निपटने के लिए तैयार रहना है और सबसे पहले अपने मन और बुद्धि के स्तर पर हमें निपटना है मन और बुद्धि के स्तर पर जब तक हम नहीं निपटेंगे तो बाहर से क्या निपटेंगे वो पहले हमें सोचना है वो पहले हमें समझना है इस तरह से समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे ठीक है तो देखते हैं फिर आपके कमेंट्स कौन क्या कमेंट्स कर रहा है उसको भी देख लेते हैं अमन कक्कर जी बहुत अभिनंदन है नवज्योतिनाथ जी बबीता धीमान जी निशांत जी शिखर शर्मा जी राजू पाल जी कन्हई कुमार जी कुंभा जी, नवज्योतिनाथ जी पवन कुमार गुप्ता जी राकेश मराठे शंकर प्रसाद राम आचार्य जी ओम तत्सत इज इनकम इज सम इज वेयरिंग बानेव सेक्रेट थ्रेड हाँ जने वही होता है एंड परफॉर्मिंग सेक्रेट रिचुअल्स जो रिचुअल्स हैं और जो ब्राह्मण हैं कोई कुल से बाई बर्थ से कोई कुल ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है उसको भी हम ब्राह्मण कहते हैं लेकिन ब्राह्मण कर्म होना चाहिए सबसे पहले या समझना है और विशेष अर्थ को समझना है ठीक बाईविंग जनेव एंड परफॉर्मिंग सेक्रेट रिचुअल्स हाँ तो कई बार लोग जो है बाहर से दिखते हैं भीतर से कुछ और होते हैं बाहर से बहुत परफेक्ट ब्राह्मण दिखेंगे बहुत सही लोग दिखाई देंगे इन्हीं विषयों पर हम विचार करके आगे बढ़ें वास्तविकता को हम ग्रहण करें वास्तव में ब्राह्मण बने ब्रह्म को हम जान पाए तो निश्चय ही हमारी हम वास्तविकता में चीजों को समझ जान पाएंगे तो शंकर प्रसाद जी आगे बढ़ते हैं स्मिता सावंत जी विनोद के सूत अब्नि प्रधान जगत नारायण जी ठीक है रामलखन जी रामलखन राजपूत गोविंद प्रसाद नीमा रूपलाल विश्वकर्मा विष्णुचंद्र मौर्या राकेश गुप्ता श्वेता राय सिन्हा जी चितरंजन बरुआ श्वेता कुमारी सतीश कुमार रामनिवास मीना जितेंद्र साहू बिमला शाह रतन सिंह उषा श्रीवास्तव राहुल तिवारी जी बहुत अभिनंदन है प्रभुदत्त शर्मा पारजी जी कुंवर जी, जी योगेंद्र पंडित सीताराम माली पंकज सोनी दया रानी ओम राज हेमरॉम स्पिरिचुअल विद साइंटिफिक प्रूफ सोमनाथ शिंदे जी अशोक माली जी बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का जुड़े रहें और निरंतर लाभान्वित होते रहें इस योग मार्ग से इस ब्रह्म मार्ग से ध्यान योग के मार्ग से और ध्यान योग जो शुरू हो रहा है बीस दिसंबर से उसे आप ना चुके जरूर जरूर ज्वाइन कर लें यदि आप इच्छुक हैं तो जरूर कर लें यह दोनों ही विषय आप कर सकते हैं ध्यान योग भी और प्राकृतिक चिकित्सा भी बहुत लाभ आपको इससे प्राप्त होगा तो आइए इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम यहाँ पर विराम देंगे और कल फिर मिलेंगे आपसे लाइव चर्चा में 9 पीएम पर